We started with 20 gardens and today we have partnered with 250 plus gardens. कितनी तरह की टोटल चाय है इसमें? सर इसमें अभी हमारे पास यहाँ पे अराउंड 10 वैरायटी की चाय होंगी. वैसे हमारे पास 50 प्लस एसकेयूज है. करंट ट्रैक्शन क्या है? सर इस साल हमने 1.65 करोड़ पे क्लोज किया है फाइनेंशियल ईयर अपना. आपका कितना कैपिटल है इसमें इन्वेस्ट हुआ? सर हमने अभी तक अराउंड 70 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया. 70. इसको ये पैकेजिंग तो मतलब आई एम नॉट सीन एनी. दिस इज द वर्स्ट पैकेजिंग आई हैव सीन इन माय लाइफ यार. ये क्या है? आप बोल रहे हो कि ये प्रीमियम है? यस सर. अब ये प्रीमियम का ही पैकेजिंग ऐसा है. फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. मेरे लिए ये एक नो डील है. आप क्या कहेंगे सर? मेरे लिए भी ये नो डील ही है. माय सबमिशन हियर इज इफ यू आर डूइंग ग्रीड लीफ ओनली then I would be interested, otherwise not. Okay, Mandar, do you have an offer? I have something in my mind. आपने सुना होगा कि जहां चाह है वहीं राह है, लेकिन आज हम आपको कह रहे हैं कि जहां पर चाय है वहीं उम्मीद है. और कुछ ऐसी ही उम्मीद के साथ आ रहे हैं वैभव जाजू. और वैभव कोई ऐसी वैसी चाय नहीं बल्कि सिलीगुड़ी की स्पेशल चाय लेकर यहां पर आ रहे हैं. तो चलिए वैभव के आइडिया को लेकर चाय पर हम करते हैं चर्चा. बुलाते हैं वैभव को. प्लीज वेलकम. नमस्ते. तो चाय पिलवाइए हमारे हॉर्सेस को, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे. मेरा नाम वैभव जाजू है और मैं ब्रूड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ. हॉर्सेस मेरा नाम रजत जाजू है, मैं ब्रूड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का को फाउंडर हूँ. और हम लोग सिलीगुड़ी से हैं एंड सिलीगुड़ी दार्जिलिंग के करीब है. जब हमने स्टार्ट किया था सो मेरा पर्सनल बैकग्राउंड, वी हैव बोथ डन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम बैंगलोर. हमने जब स्टार्ट किया था एंड आफ्टर होटल मैनेजमेंट हम लोग होटल्स में काम कर रहे थे एंड मैंने ब्रूइंग में परस्यू किया था. उसके बाद जब मैं ब्रूइंग कर रहा था तो मेरे जो सीनियर्स थे सबको ही पूछते थे कि कहाँ से हो आप. तो सिलीगुड़ी जब हम लोग बताते थे इनिशियली वो थोड़ा डिफिकल्ट होता उनको समझने के लिए कि कहाँ है सिलीगुड़ी. तो हमने हैबिट बना लिया कि हम लोग दार्जिलिंग बताएंगे. एंड जैसे जैसे दार्जिलिंग बताने लगे तो उनको सबसे पहले हमसे चाय चाहिए था. तो धीरे धीरे वी स्टार्टेड गिविंग देम चाय. और जैसे जैसे टाइम हुआ 6-7 मंथ्स बाद में ये हुआ कि जो 21 किलो लगेज हम लोग को मिलता है फ्लाइट में कैरी करने के लिए 10 किलो तो हम लोग उनके लिए चाय लेके जा रहे थे. तो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड. उसके बाद में हमने लॉकडाउन में जब हम लोग घर शिफ्ट हुए तब हमने सोचा कि कुछ करना है एंड वी कम फ्रॉम बिजनेस फैमिलीज. तो फैमिली इज़ इनटू बिजनेस फ्रॉम द लास्ट 5.5 डेकेड्स नाउ. तो जब कुछ करना ही था एंड फैमिली का बिजनेस है थोड़ा सा वी वर आउट. तो हमने सोचा क्यों ना जो हम लोग कर रहे थे पहले से एंड जिस चीज़ में हम लोग का प्यार है पैशन है उसी चीज़ को लेके हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. हमने ब्रूड लीफ का स्टार्ट किया. फर्स्ट ईयर हमने जब शुरू किया था पहले साल में हम लोग अगस्त 2020 में हमने स्टार्ट किया था. हमने जब स्टार्ट किया था तब से लेके फर्स्ट जब हमारा मार्च में क्लोजिंग होता है वी डिड 33 लाख रुपीज़ रेवेन्यू विदाउट मार्केटिंग स्पेंड एंड कम्प्लीटली D2C एंड एक्सपोर्ट्स. सेकेंड ईयर बिकॉज अब इनिशियली जो हमने फर्स्ट ईयर जब स्टार्ट किया था तो हमारा कैश बर्न हुआ था. अब वी कम फ्रॉम मारवाड़ी फैमिली और थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है वहाँ पे कि कैश बर्न नहीं समझा सकते एंड वो हम लोग का बहुत बड़ा चैलेंज था. टू रिकवर वॉट एवर वी लॉस्ट इन द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर वी स्टार्टेड अ सेकेंड ब्रांड विच वॉज अ मास मार्केट टी ब्रांड. तो उससे हम लोग अभी सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था एंड वी आर डूइंग रीजनेबल विद दैट. एक स्टार्ट के लिए इट्स गुड बट अब हम लोग उसको स्केल करना चाह रहे हैं एंड हमारा स्केलिंग फोकस टूवर्ड्स D2C रहेगा. तो ये जो हम पी रहे हैं ये मास मार्केट वाली ब्रांड है या कौन सी ब्रांड्स के? सॉरी ये सारे प्रीमियम ब्रांड्स ब्रूड लीफ के. ये प्रीमियम ब्रांड के? यस सर. प्रीमियम हॉर्सेस के लिए प्रीमियम. जी थैंक यू. तो मास मार्केट का ब्रांड का नाम क्या है? उसका नाम सर सिटी लीफ है. सिटी लीफ. सिटी. सिटी लीफ. CITY. सिटी लीफ. तो आप क्या पिच कर रहे हैं आज? ब्रूड लीफ की सिटी लीफ. मैम इट्स अंडर द सेम कंपनी बट हमारा जो फोकस है इट्स ऑन द D2C साइड. ओके. यस. आपकी पिच कंप्लीट हो गई? यस मैम. ओके वंडरफुल. वेलकम गाइस. आपकी उम्र कितनी है? मैं वही पूछने वाली थी. 23 एंड ही इज 21. 21? यस.
करंट ट्रैक्शन क्या है सर? इस साल हमने 1.65 करोड़ पे क्लोज किया है फाइनेंशियल ईयर अपना। और आपकी आस क्या है, वो तो आपने बताया ही नहीं। सो वी आर लुकिंग टू रेज 1 करोड़ फॉर 5% इक्विटी एंड 5% फॉर स्वेट, दैट द सपोर्ट दैट वी रिक्वायर फ्रॉम यू। आपके पैसे के साथ हमको आपका बहुत सपोर्ट भी चाहिए एंड गाइडेंस भी चाहिए। तो आप 10% दे रहे हैं ना 1 करोड़? यस। तो ये चाय वहां पे आके आपका पूरा गाड़ी देख सकते हैं? हां सर प्लीज, वी वुड लव टू हैव यू। और ये तो आपने इंडिपेंडेंटली इसका ये स्टार्ट किया? हां मैम पूरा हमने चाहता है तो आप आकर के देख सकते हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच एकदम जीरो से। टी गार्डन को कन्विंस करना कि आप हमको डायरेक्टली सप्लाई करो विदाउट एनी टी बैकग्राउंड, ये 7 स्पाइस वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस। वी स्टार्टेड विद 20 टी गार्डन्स एंड टुडे वी हैव पार्टनर विद 250 प्लस गार्डन्स। ये सब लूज लीफ सी है या सैशे भी है? यस सर लूज लीफ सी है या सर? अभी लूज लीफ ही है हमारा, सैशे नहीं है। नहीं सैशे अभी नहीं है, बट वी विल कम अप विद दैट। सैशे के लिए वी हैव सम डिफरेंट प्लान दैट इज इन स्टेल्थ मोड। दिस इज कंप्लीटली प्रोडक्ट इज डेवलप्ड, इट्स नॉट द नॉर्मल टी दैट वी आर डूइंग। दिस इज कंप्लीटली द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड, वी आर रेडी, वी जस्ट रेडी टू गो टू द मार्केट। यामिका बहुत ही इंटरेस्टेड लग रही हैं। यामिका ये यूजुअली कहां सेल होता है? ये किसके लिए सर? अभी हम लोग ने स्टार्ट किया आप लोगों को प्रेजेंट करने के लिए और टेस्ट करने के लिए। तो हम लोग D2C का लेके स्टार्ट किया था हमने, एंड दिस वन इज बट कैश के चक्कर में वी वेंट ऑफलाइन। दिस इज हैंडमेड ग्रीन। तो इस साल जो हमारा रेवेन्यू स्प्लिट है 1.65 का, उसमें से 15 लाख कुछ भी नहीं, 10 लाख फ्रॉम एक्सपोर्ट्स एंड द 1.4 करोड़ फ्रॉम ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटलीफ का। ऑफलाइन कहां पे सर? हम लोग अभी प्रेजेंटली वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार के कुछ पार्ट्स में एंड भोपाल में प्रेजेंट है। यूनिक रंग है, इतनी अच्छी शेड है ऑरेंज की, वेरी नाइस। कितनी तरह की टोटल चाय है इसमें सर? इसमें अभी हमारे पास यहाँ पे अराउंड 10 वैरायटी की चाय होंगी। वैसे हमारे पास 50 प्लस एसकेयूज है। 50 प्लस वेरिएंट। आप कुछ समझाएंगे हमें कि श्योर कौन सा है, क्या स्पेशलिटी है? जैसे सर दिस इज अ मसाला टी जो आप पी रहे थे अभी अपने जो ट्राई किया, ये वाला सर हमारा ये मसाला टी है सर। आप प्लीज मैं रेकमेंड करूंगा आप इसको प्लीज स्मेल कीजिए आप इसको। दिस इज कम्प्लीटली ऑर्गेनिक, नो फ्लेवर्स एंड एसेंस यूज। वाह, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर एसेंस कुछ भी नहीं है। खुशबू भी बहुत रिफ्रेशिंग है। यस सर। तो नॉर्मली क्या होता है ना, जब हम लोग किसी को सेल करते हैं, कोई कस्टमर पूछता है, हम लोग इसको काढ़ा की तरह भी पी सकते हैं। तो यस दे डू ड्रिंक दिस एज काढ़ा एंड बहुत हद तक बहुत लोगों का सर्दी भी ठीक हुआ है उससे। अच्छा, तो ये मसाला हुआ वो क्या है, वो बाउल में भी कुछ तो है सर? ये एक स्पेशलिटी टी है, दिस इज कॉल्ड गोल्डन पर्ल्स। ये स्नेल्स की तरह दिख रहा होगा आपको। तो दिस इज अ वेरी रेयर टाइप ऑफ टी जो दार्जिलिंग में बनता है। ये एक अगर एक फुल प्लांटेशन से नॉर्मली 8-10 किलो के आसपास एक साल का प्रोडक्शन होता है इसमें। लेकिन इसका खुशबू, इसमें कोई स्मेल नहीं आएगा सर? नहीं है ना, आयुर्वेदिक बहुत नहीं सर, बहुत आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जैसा स्मेल है। ये मैं पीऊं पूरी? यस सर, श्योर थैंक यू। चलिए हमारे चेक तो सिक्योर हो गया, चाय तो पी ली है। सवाल जवाब चाय पे चर्चा करते हैं। हॉसेस, एंट्री बैरियर्स क्या हैं, क्योंकि इतने सारी चाय कंपनीज बनी है, वादाम टी है, TGL जो बनकर अभी बंद हो गई है, चायोस तो ऑफ कोर्स चायोस एक चेन ऑफ कियोस्क है, दे आर नॉट इनटू D2C, बट बहुत सारे चाय में बहुत सारे लोग आ गए, देयर आर गुड नंबर ऑफ कंपटीशन दैट वी एग्री टू इट। इसमें सर दो तीन चीज है। एक टीम में हर कोई एंटर नहीं कर पाता, जो आपने एंट्री बैरियर का पूछा मेरे को, एंट्री बैरियर ये है कि जब हमने भी स्टार्ट किया था, हमारा कोई टी का बैकग्राउंड नहीं था, हमने 100 गार्डन से ऊपर को अप्रोच किया था, जिसमें 50 ने सीधा स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि नहीं करना है आपको काम, जबकि हम लोग अपफ्रंट कैपिटल मतलब एडवांस पेमेंट में काम करना चाह रहे थे, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया बिकॉज के कनेक्शन नहीं है। एंड टी गार्डन्स में और टी बिजनेस में एक ये कनेक्ट वाला चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपका कितना कैपिटल है इसमें इन्वेस्ट हुआ? सर हमने अभी तक अराउंड 70 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया, 70। 70 लाख कहाँ पे गया हुआ है? हाँ सर, कहाँ इन्वेस्ट हुआ है सर? अभी तक हमने जो फर्स्ट ईयर थोड़ा बर्न भी किया था, एंड सेकेंड ईयर हमने अपना पूरा सेटअप कर लिया है, वेयर हाउस वगैरह हमारा, ब्लेंडिंग यूनिट हमारा खुद का है, मशीनरीज है हमारा, पैकेजिंग का खुद का भी, एवरीथिंग इज इन हाउस। ये पैकेजिंग तो मतलब आई हैव नॉट सीन एनी, दिस इज द वर्स्ट पैकेजिंग आई हैव सीन इन माय लाइफ यार, ये क्या है? वी आर लुकिंग टू अपग्रेड दैट, वी आर अपग्रेडिंग ऑन दैट सर। वी हैव और सिटी लीफ के लिए भी सर हमें पैकेजिंग मशीन्स एंड ऑल एवरीथिंग, उसके लिए थोड़ा ह्यूज कैपिटल चाहिए था सर। मेन थिंग क्या हुआ, हम लोग जब स्टार्ट किया था बिकॉज ऑफ द कैश बर्न वी वर अनएबल टू एक्सप्लेन टू, वैसे आपकी तरफ से मैं बोल दूं मोहित को, जब आप इन्वेस्ट कर देंगे ना सर जी, तो पैकेजिंग भी बदल जाएगी। नहीं सवाल वो नहीं है, मैं बताता हूँ सवाल क्या है। आप बोल रहे हो कि ये प्रीमियम है। यस सर। फिर आप एक मास मार्केट के लिए लॉन्च करेंगे, अभी प्रीमियम का ही पैकेजिंग ऐसा है। एंड यू नो मंदार, इन टुडेज इन एज है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट को इस तरह से लॉन्च करोगे, भले आपकी पैकेजिंग बाद में बढ़ जाए,
बट जो पहला आदमी जब जिसने ये पकड़ा है वो इसको प्रीमियम नहीं मानेगा, कोई वर्ड ऑफ माउथ नहीं बनेगा, बल्कि नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ बनेगा। और वो बोलेगा कि ये अगर प्रीमियम है तो फिर सिटी लीफ कैसी होगी सर, सो हमने तो भी और डाउनग्रेड हो जाएगा। हाँ, तो अभी हमने इसमें बहुत सारा चेकआउट किया कि कैसे क्या चल रहा है मार्केट स्टैंडर्ड्स में, जो अभी है दैट इज ऑल डूइंग द सेम थिंग। बट या हमने जो अभी देख रहे हैं हम लोग, वी आर कमिंग अप विद 10 कैडीज जो प्रीमियम सेगमेंट में जाएगा। मैं अगर आपके नंबर्स देख रहा हूँ तो इसमें चेंज इन स्टॉक या कुछ एक ऐसा पैरामीटर है, चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश स्टॉक 22,55,000। सर जो हमारा जब चाय आता है सपोजिंग वेयरहाउस में, तो उसके बाद में क्या होता है, वो हम लोग का ब्लेंडिंग होता है, ब्लेंडिंग के बाद पैकेजिंग होता है। तो चेंजिंग स्टॉक जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है एंड ब्लेंड के बाद जो प्रोडक्ट है दैट इज चेंज इन स्टॉक इन्वेंट्री में। एबिटा क्या है लास्ट ईयर? वी आर अराउंड 5%। 5% एबिटा? यस सर। और ग्रॉस मार्जिन 80% 70% है सर हमारा, क्योंकि जो ऑफलाइन ब्रांड है उसमें थोड़ा ग्रॉस मार्जिन कम है, इट्स 40%। एंड जो हमने मशीनरीज वगैरह जो लिया था उसमें भी वी हैड टू पुट ऑन कैपिटल। फिक्स एसेट में कितना इन्वेस्टमेंट है? फिक्स एसेट में हमारा अभी 18 लाख के आसपास है, 18। जिस जगह से हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स साइड में वी आर नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट। वी हैव ट्राइड डिफरेंट एजेंसीज ऑल्सो। यू मीन सिलीगुड़ी? या सिलीगुड़ी से भी ट्राई किया हमने, कलकत्ता से भी ट्राई किया, बट कोई प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस मार्केटर हम लोग अभी तक नहीं मिल पाया है। वी हैव इवन लाइक हमने ट्राई भी किया कि अगर कोई कोफाउंडर भी आ जाए हमारे साथ में, वी हैव ट्राई दैट एज वेल, बट वी डिडंट गेट दैट। So that is a pain point for us right now. कैसे try किया आपने co-founder लाने का? क्या try किया? Sir, network. So we are getting incubated at Indigram Labs. Okay. So we have उनके network से भी हमने try किया था। So what is the current cap table? Cap table क्या है? Sir, cap table अभी so रजत को अभी equity share होगा। So me and my mother we have 51% stake. My mother is 51%. I have 49%. बट अभी कुछ दिन पहले हमने अपना इंडीग्राम को हम लोग को शेयर देना है, तो इट्स स्टिल ऑन प्रोसेस, पेपर वर्क हो गया, हम लोग का एग्रीमेंट साइन हो गया, दे आर टेकिंग 3% फ्रॉम अस। और इनका क्या है इसमें, आप और आपके मदर और इनका क्या है? विल स्प्लिट अभी। क्या विल स्प्लिट? हाउ मच? अभी जो जैसे मेरे पास 49% है, मम्मी के पास 51 है, 3% गोज टू देम एंड रिमेनिंग मी एंड रजत विल स्प्लिट अकॉर्डिंगली। तो मम्मी का क्या होएगा? मम्मी और पैसे लगाएंगी। मम्मी का ही है सर। सर अभी तो वैसे भी सब मम्मी का ही है। ये तो मम्मी की इक्विटी का क्या होगा, बिकॉज़ मम्मी का तो नाम ही नहीं आया सर। मम्मी का आएगा सर, मम्मी का विल स्प्लिट 3 इक्वली अमंग्स आवरसेल्व्स। तो 97% बचा। यस, 97% विल स्प्लिट 3। 97 डिवाइड बाय 3 आपका 32%। या ऐसा कुछ विल 32.333%। और व्हाट इज द रोल ऑफ इंडीग्राम? व्हाट इज द रोल ऑफ इंडीग्राम? सर दे आर इनक्यूबेटर्स एंड दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीटेक इनक्यूबेटर्स इन द कंट्री राइट नाउ। So they're helping us connect the farmers and also will help us in the exports. They don't help you in raising funds? They do. We are also in talks with some of the other angels and networks. और आपके मम्मी का इसमें क्या रोल है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस बिजनेस या ऑपरेशनली शी इज इन्वॉल्वड या खाली ये रिस्पेक्ट है आपकी मम्मी के लिए? रिस्पेक्ट भी है एंड शी इज पंप्ड इन द फंड्स जो हमने इनिशियली डाला था। अच्छा। Also, हिंदुस्तान में जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपको दो लोगों की जरूरत होती है ना? तो who better than your own mummy? Correct. Who has put in the money? चलिए मुझे यहाँ पे लगता है डॉक्टर बिंद्रा जो हैं उन्हें बुला लिया जाए सो दैट कि वो अपनी कुछ एक्सपर्ट एडवाइस भी रखें और साथ ही साथ कुछ क्लैरिटी भी यहाँ पर डेवलप हो जाए आपके और हॉर्सेस के बीच। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर बिंद्रा। धन्यवाद वैभव जाजू, रजत जाजू। उम्र कम है, जज्बा है बुलंद। 23 साल के वैभव आपने सबको कर दिया है दंग। आप एक मारवाड़ी हैं, कहते हैं कि जिधर ना पहुंचे बैलगाड़ी उधर पहुंच जाता है मारवाड़ी। छोटे छोटे किसानों के पास आप पहुंचे, टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, आप उनके गार्डन के पास पहुंचे। ब्रूड लीफ आपकी कंपनी का नाम है। आपके SKU 50 है मुझे देख के अच्छा लगा, पर अभी तक सारे एनालिसिस में मैं कहीं आपका कोई कॉम्पिटिटिव मोट नहीं देख पाया। बहरहाल मार्केट बहुत बड़ी है अभी भी, क्लटर्ड होने के बावजूद भी। उसका कारण है इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है चाय का, चाइना, श्रीलंका और कीनिया के बाद। श्रीलंका में जो डाउनटर्न आया है उसके बाद इंडिया में संभावना और बढ़ गई है। मजे की बात यह कि इंडिया दूसरे नंबर पे आता है पूरे विश्व के अंदर चाय बनाने में, और 80% चाय इंडिया के लोग खुद ही पी जाते हैं। 13,000 करोड़ की चाय पी लेते हैं भारत के लोग। ये देख के एक बात तो पक्की है कि हमारे देश का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव नहीं है, टी पॉजिटिव है। बहरहाल सारे के सारे बिजनेस मॉडल में आपकी एक चीज अच्छी लगी, 5% आप स्वेट इक्विटी देना चाहते हैं। अगर आप किसी को अट्रैक्ट करें तो मुझे अच्छा लगेगा, किसी इन्वेस्टर को। प्रोडक्ट वाइज आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर का रेशियो मैं आगे देखना चाहूंगा। फिर से आपको कहूंगा एक स्ट्रांग मोट की आपको जो सस्टेनेबल एडवांटेज है उसकी जरूरत है, वो आपको मिलेगा, फायदा होगा। वो चाय ही क्या जिसमें उबाल ना हो, वो
चाय ही क्या जिसमें उबाल ना हो, वो स्टार्टअप ही क्या जिसमें ग्रोथ की मिसाल ना हो। धन्यवाद। क्या बात है। हॉर्सेस, आप लोग जिस एज पे हैं, उस एज पे जिस मैच्योरिटी से आपने ये पिच किया और ये जो बिजनेस जितना भी आपने अभी तक खड़ा किया वो काफ़ी काबिल तारीफ है, तो कंग्रेचुलेशन ऑन दैट। हमें समझ में आया, मतलब एटलीस्ट मुझे समझ में आया कि आपकी कहाँ कहाँ अभी लैकिंग है। मतलब जैसा कि सबने कहा, एक क्राउडेड मार्केट में है तो ऑब्वियसली डिफ्रेंशिएटर लाना पड़ेगा। चाय तो चाय है, सब लोग अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप शायद उससे अच्छी बना रहे हैं, बट वो पता कैसे चलेगा कस्टमर को? तो मतलब आपका जो अप्रोच है मार्केट में जाने का, वो थोड़ा डिफ्रेंशिएटेड रखना है। मतलब आपका गो टू मार्केट आपको थोड़ा अलग रखना है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर अप्रोच जो है वो लानी होगी। अनफॉर्चुनेटली मेरा इस अप्रोच में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँगी। आपका ऑफ़र जो 5% स्वेट इक्विटी का है वो भी बहुत अच्छा है, बट अगर मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगी तो वहाँ घुसना मुझे ठीक नहीं लगता। तो आज मेरे लिए ये एक नो डील है। आप क्या कहेंगे सर? मेरे लिए भी ये नो डील ही है, क्योंकि मैं भी इस पर कुछ आपको मेरा इनपुट नहीं दे पाऊँगा। तो आपका नेक्स्ट एक साल का क्या प्रोजेक्शन है, फंडिंग के साथ, फंडिंग के बिना? सर, विद फंडिंग वी विल गो दिस ईयर अराउंड 15 करोड़ प्लस, एंड विदाउट फंडिंग वी विल डू अराउंड 6.5-7 करोड़। आप एक बार रिमाइंड करेंगे, आपका टर्नओवर कितना है अभी? अभी 1.65 से आप 15 करोड़ जाएंगे? यस, विद फंडिंग। विद फंडिंग ये 1.65 में से export/B2B कितना है? 1.65 में 15 लाख हमारा ऑनलाइन है एंड 10 लाख हमारा एक्सपोर्ट्स है एंड 1.4 करोड़ हम लोग का B2C है। B2B है। तो किसको बेचते हैं B2B? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हमारा सर, पूरा नॉर्थ ईस्ट में अभी। ये आप जब B2B करते हैं तो वाइट लेबल करते हैं? नहीं सर, हमारे खुद के जो सेकंड ब्रांड है सिटी लीफ से हो रहा है। सिटी लीफ से होता है जी। आपने बोला विदाउट फंडिंग 6-7 करोड़ हो जाएगा, विद फंडिंग आपका 15 करोड़ हो जाएगा। उसमें सिटी लीफ कितना है और ब्रूड लीफ कितना है? सर, लॉन्ग रन में जो एक्सपर्टीज का मैं बात कर रहा था, वी आर लुकिंग फॉर D2C साइड ही हम लोग देख रहे हैं, एंड इसमें एक चीज़ ये भी कि मार्जिन्स में उसमें अच्छे हैं, सो दैट इज़ द रीज़न। एंड बट हाँ, अगर आप वैसे रेवेन्यूज में 15 करोड़ में देखोगे तो इट फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स सिटी लीफ वुड बी अ मेजर पार्ट, बिकॉज वो वॉल्यूम में चल रहा है अभी। धीरे धीरे वील हैव टू इंक्रीज द ऑनलाइन साइड। सो उसमें कितना मार्जिन है आपका? ग्रॉस 40% है एंड नेट 20%। नेट कितना? 20% माय सबमिशन हियर इज, इफ यू आर डूइंग ब्रूड लीफ ओनली, राइट, देन आई वुड बी इंटरेस्टेड, अदरवाइज नॉट। खाली ब्रूड लीफ एंड दैट टू D2C, नो अदर चैनल, एंड दैट टू ऑनलाइन, नो अदर डिस्ट्रीब्यूशन, नथिंग, देन आई वुड बी इंटरेस्टेड टू लुक एट इट। सो जस्ट टू पुट ऐड टू संजय भाई ऑफर, राइट, Sanjay bhai, if you don't mind, I would like to partner with you. Give me 3 to 6 months on the brood leaf side, while your investment will solely be towards this. My money, I would like to put it towards this D2C side. In 6 months, we can take the pivot and sort of come back to the regular year. Between you and me, we can figure out how do we want to structure this. I like you guys. I may not necessarily like your tea. I may not necessarily like the fact that there are 150 competitors. But I like the hustle that you have. मुझे वो एक यू नो ब्लू ब्लडेड हिंदुस्तान के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, वो दिखते हैं। एंड B2G में भी काफ़ी कुछ है करने के लिए। मेरे पास, मेरी पोर्टफोलियो में 4 D2C ब्रांड्स हैं, चारों के चारों 1.5-2 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं महीने का। वादाम टी का पूरा ब्रांडिंग मेरी एक पोर्टफोलियो ने कंपनी ने किया है, जो उनकी पूरी स्टोरी है, वो जो सारे ड्रोन शॉट्स वॉट लिए सब हमने किया। तो आई विल ब्रिंग ऑल दैट संजय भाई, इफ यू आर, सो लेट मी देन गिव एन ऑफर इफ ही इज कमिंग। Assumingly, you are only doing brood leaf, single condition, right? So we'll give you 1.25 crore for 15, subject to, we'll cancel Indigram and give him that free equity to Mohit for his expertise. Okay. You are getting cash plus mentorship, both. Unko aap 3% jo bhi aap Indigram ko de rahe ho, unko de do, main cash chahunga. Sanjay bhai, I'll put the cash half with you. No, no, you do afterwards, sir. पहले बने। संजय भाई, आपकी final मैं दे रहा हूँ ना, 1.5 करोड़ तो दे रहा हूँ। You build it. 1.5. Let's do it together. आप लोग आपस में बात करना चाहेंगे। I'm just saying that वो Instagram का at least डॉक्टर बिंद्रा से भी आप बात करना चाहेंगे। First, he has to get this brood leaf
ठीक है, दैट्स फाइन, आई मीन आई एम ओके. तो आप, आपके क्या ऑफर क्या है? क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है लेकिन आप मुझे, मैं समझा नहीं ये क्या हो गया. 1.25 crores for 15% plus 3% mentorship fee additional. Yes. Okay. That's it. As simple that's as that. That's it. As simple as that. And then they will do only broodleaf. Only yeah. broodleaf. Only D2C. D2C. No physical. आप लोग सिर्फ broodleaf के condition पे आप लोग agree हैं या नहीं? एक मिनट. मैं संजय भाई के साथ थोड़ा सा गुफ्तगु करना चाहता हूँ. तो जब तक इनका डिस्कशन हो जाता है, एक सवाल का मुझे जवाब चाहिए. आपने बोला 10 लाख का आपका एक्सपोर्ट है जी. ये एक्सपोर्ट किस कंट्री में अभी जा रहा है? यूके, सर, यूएसए, सऊदी एंड सिंगापुर. 10 लाख में से सऊदी कितना होगा? सर, 10 लाख में अभी जो हमने किया था उसमें 3.5 लाख रुपए सऊदी का था. अच्छा. एंड हमने एक बार बात भी किया था, एक सऊदी के बहुत बड़े हाइपरमार्केट चेन है जिनसे बात किया था, बट द वॉल्यूम जो उन्होंने हमको इनिशियली बताया था, एंड ये मैं बात कर रहा हूँ जब हमने स्टार्ट किया था बिजनेस, जब तो कुछ नेटवर्क के थ्रू हम लोग सऊदी में एक जन से बात किया था, ही हैज अराउंड 100+ स्टोर्स इन सऊदी. तो व्हेन ही सेट द अमाउंट, मतलब जो वैल्यू का जो उनको क्वांटिटी चाहिए था, वी वर नॉट रेडी फॉर दैट टाइम. उस टाइम पे हमारे लिए पॉसिबल नहीं था. हाँ, क्योंकि हम उस टाइम बहुत नए थे और बहुत छोटे थे उस टाइम पे. एक प्राइस पॉइंट पे आप अभी D2C इंडिया में बेच रहे हो जी, ठीक है जी. तो जो आपने बोला 575 रुपए कितना है? 600 रुपया पर केजी है. हाँ. तो कंपेयर टू दैट आप जब सऊदी में 3.5 करोड़ किया या फिर अमेरिका में किया, वो क्या प्राइस पे किया एवरेज पर केजी? या सो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग, जैसे यूएस इज रेडी टू पे द मनी दैट वी कैन आस्क फॉर, लाइक इवन इफ वी 600 रुपीज को चाहिए, ऐसे हाइपोथेटिकली even if we price that at 1000 rupees US can do that, but no not even if we price that, kitna exact actually price India se thoda zyada hai, 30 to 35% 3 to 35% thoda sa zyada hai, 30 to 35% zyada hai. To wo aapke direct margin mein jata hai, right? Yes sir, except minus the logistics cost. Yeah. Aapki total supply samjho, aap 100% capacity pe kaam kar rahe ho, आप कितना किलो कर सकते हो या कितना टन कर सकते हो पर मंथ? प्रोक्योरमेंट साइड, इनर प्रोक्योरमेंट साइड, आपके सप्लाई की मैक्सिमम कैपेसिटी आज क्या है? 50 लाख किलो तो अभी 250 गार्डन से ही हमारा. एवरी मंथ वी कैन डू दैट. 50 लाख किलो, 50 लाख किलो विदाउट हेजिटेशन वी कैन डू दैट राइट नाउ. ओके मंदार, डू यू हैव एन ऑफर? आई हैव समथिंग इन माय माइंड. से इट. लेकिन मुझे आपका सुनना है पहले. नो, हमारा तो सी, हमारा बहुत क्लियर है बिटवीन संजय भाई एंड मी. आई थिंक यू नो, यू कैन, यू नो अबाउट हिम. या सर, डेफिनेटली वी नो ऑल ऑफ यू. बिटवीन द टू ऑफ अस, 1.25 crores, 15% प्योर स्ट्रेट इक्विटी एंड 3% मेंटरशिप. नो, 5 विल बिकम 5 बिकॉज़ आई वाज गिविंग अ पहले 5 का था. सो 5% मेंटरशिप फी. ओके, ठीक. दैट्स द ऑफर. 20% गेट्स डाइल्यूटेड फॉर 1.25 करोड़. आप समझ लो. That's the offer. And you know where we can take this. Yes, sir. And also just wanted to clear this before. You only want me to work in broodleaf, nothing else. As of now, but if something on the B2G side opens up, which is where I will come in, Sanjay bhai has given me that slight liberty. Keep Mohit, agar wo, I see that revenue coming in and I see that there is not too much of your attention going towards that side, we will allow that part to happen. Mm-hmm. Okay, that is between you and me. I'll figure out how to get you there. For sure. तो आपको 20% देनी है और 1.65 पूरा हो जाएगा, प्लस इनकी एक्सपर्टीज मिल जाएगी. मेरी ऑफर अलग है ऑन टॉप ऑफ देम, सो आई एम नॉट कैंसलिंग दैट. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका एक्सपोर्ट अभी 10 लाख है, एक्सपोर्ट में काफी मार्केट है. सऊदी में आपने 3.5 लाख ही किया है, मतलब कुछ भी नहीं किया है, ठीक है. आपकी सप्लाई कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, ये आप बोल रहे हो. यस सर. तो मैं ये ऑफर दे रहा हूँ ऑन टॉप ऑफ इट, मुझे इक्विटी नहीं चाहिए, ठीक है. जो भी मैं मेरे कनेक्शन से एक्सपोर्ट्स करूंगा, मुझे 50% ऑफ रेवेन्यू शेयर चाहिए, नेट ऑफ लॉजिस्टिक्स, मतलब ग्रॉस मार्जिन, सॉरी 50% ऑफ ग्रॉस मार्जिन चाहिए. हाँ, तो मुझे इक्विटी नहीं चाहिए, इक्विटी इनको चाहिए, आपने दे दी, ठीक है. लेकिन जो भी एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट आपके जीरो है आज, तो जो भी मैं एक्सपोर्ट मेरे कनेक्शन से करवाऊंगा, ठीक है, 50% ऑफ ग्रॉस मार्जिन मैं रखूंगा. अभी आपको इनसे डील करनी पड़ेगी. हाँ, अभी आप अभी देख लो. अब आपको बिजनेस ही बिजनेस. और मेरा ऑफर टेक इट और लीव इट है, अगर नहीं करना चाहते हो तो मत करो, कोई कंपल्शन. बेसिकली ये दो अलग ऑफर है. हाँ, जो दो अलग ऑफर है, कंडीशनल
ट्रांजैक्शनल ऑफर है, ट्रांजैक्शनल ऑफर है मोर लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट. हां डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, ठीक है. ये तो ये धंधे वाला ऑफर है, ये इक्विटी वाला ऑफर है. तो ये हैं आपके पास ऑप्शंस, आप बताइए. सो वी जस्ट वांट टू कंसल्ट विद बिंद्रा सर वंस. यस प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड. लेट मी स्वीटन दिस डील फर्दर. आउट ऑफ द 5% मेंटरशिप फी, 1.5% गोज टू बिंद्रा जी फ्रॉम माय एंड एंड आई गेट हिम आल्सो ऑन बोर्ड. अब उसके लिए मुझे लगता है इन्हें भेज ही देना चाहिए. व्हाइल यू आर कंसल्टिंग, व्हाई डोंट यू एंड आई कम विद यू टू कंसल्ट. प्लीज सर. चलिए. अरे मेरे साथ भी डील हो गई. अरे वाह. जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसे हूबहू है. जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसी है. लकीर बस एक नाम है, मेहनत ही अंजाम. इसी बीच मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को प्लीज आप ये समझाएं कि दरअसल ये जो पूरी डील हुई है वो किस तरह की डील हुई. ये चाहते थे कि ये 1 करोड़ रेज करें 10% इक्विटी के लिए. ये पहले 5% देना चाहते थे प्योर इक्विटी और 5% मेंटरशिप फीस. ये आज यहाँ से 1.25 करोड़ लेके जा रहे हैं एंड टोटल 20% डाइल्यूट कर रहे हैं. उस 20% डाइल्यूशन में संजय सर 15% रखेंगे, 3% मैं रखूँगा, सॉरी 3.5% मैं रखूँगा और 1.5% डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी रखेंगे. तो इसेंशली ये डील है 1.25 करोड़ फॉर 20% एंड यू हैव 3 मेगा हॉर्सेस ऑन योर कैप टेबल. दैट्स अ ग्रेट डील. आई थिंक डॉक्टर बिंद्रा यहाँ पर है सर, प्लीज आइए. जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसे हूबहू है. जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार हूबहू है.